उत्तराखंड कांग्रेस में आखिरकार चल क्या रहा है, ये सवाल क्यों? क्या वाकई में पार्टी के भीतर कोहराम है? ऊपर से सब कुछ शांत है मगर भीतर तूफान है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने ही सियासी लिहाज से जोर का झटका धीरे से दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने हिम्मत जुटा के कुछ नियुक्तियां की। राज्य की राजनीति में इन नियुक्तियों के मायने भी हैं, संगठन के स्तर पर। प्रदेश संगठन और जिला ब्लॉक में नियुक्तियां, महासचिव, सचिव, हरिद्वार, पछुआ दून अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तक हुई, मगर उस पर प्रभारी ने रोक लगा दी। अब ये रोक के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों लगाई रोक और क्यों उठा ये बवाल, पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के घर में चल रहा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बीच टन गई है। तभी तो उत्तराखंड कांग्रेस संगठन को इस बार एक और बड़ा झटका कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का नियुक्तियां रद्द करने वाला पत्र मीडिया में वायरल होने लगा है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा की गई नियुक्तियों को संवैधानिक बताते हुए प्रदेश प्रभारी ने सभी नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रभारी के इस फैसले के बाद अब ये समझा जाने लगा है कि कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि अध्यक्ष की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। चलिए मामला क्या है जरा उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देने का काम प्रदेश संगठन कर रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का एक और पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है, क्योंकि इस लेटर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बिना जिला और ब्लॉक कमेटी में की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। मुद्दे में प्रदेश प्रभारी ने पत्र जारी कर प्रदेश कांग्रेस को तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव के समय हरिद्वार और पछुआ दून संगठनात्मक जिलों के साथ ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर पदाधिकारी की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ICC की अनुमति नहीं ली। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश प्रभारी ने नियुक्तियों को रद्द किया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में भाजपा ही कांग्रेस के घर में आए इस भूचाल का मजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी ये सफाई दे रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी प्रभारी ने दे दिया है। कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इसको कहा भी था कि अब देखना ही होगा कि आजकल कांग्रेस में किस गुट का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं। इतना जरूर है कि जब कांग्रेस मुद्दाविहीन हो जाती है तो आपसी द्वंद की ओर बढ़ती है और वो कुछ दिनों बाद और झलकेगा। अब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जिन नियुक्ति के बारे में उन्होंने बात कही है उस पर उनसे चर्चा भी हुई है और अगर कोई बात होगी तो ठीक है, उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। भाजपा क्या तंज कसती नहीं कसती अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम करने का तरीका है और अगर प्रभारी जी की जो भी नाराजगी होगी जब उनसे भेंट होगी तो उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पछुआ दून की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, जिससे यह पद खाली चल रहा था। प्रदेश कांग्रेस ने राकेश नेगी को पछुआ दून का अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा हरिद्वार ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी और महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी को बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के इस निर्णय से पार्टी नेताओं का एक और बड़ा धड़ा नाखुश नजर आया। खबर है कि पिछले महीने दिल्ली में हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में कई विधायकों ने इन नियुक्तियों का विरोध किया। उनका तर्क यह था
कि जिला और ब्लॉक कमेटी में पदाधिकारी की नियुक्तियों में विधायकों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज को लगे झटके का असर केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे इन झटकों से उभर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये साफ है कि कांग्रेस के घर के भीतर अभी भी ऑल इज वेल नहीं है, इसलिए तो अध्यक्ष की नियुक्तियों को प्रभारी रद्द कर रही है। यानी कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो चुकी है और पार्टी के भीतर वर्चस्व की जंग चल रही है। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। कांग्रेस में कोहराम, प्रभारी बनाम प्रदेश अध्यक्ष। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आशीष नोटियाल खिड़की में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कुलदीप राणा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से समझते हुए देखते हुए और कवर करते हुए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष नोटियाल जी, जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था ना तब मेरे जहन में आप ही आए थे। कुछ रोज पहले कुलदीप जी, आशीष जी ने मुझसे एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि प्रदेश प्रभारी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैडम जूम से है, जूम से कनेक्ट होती है हमारे साथ। यही कहा था आशीष जी? बिल्कुल, यह है जूम का साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने हिम्मत जुटाई, प्रदेश संगठन, जिला ब्लॉक में नियुक्तियां की, महासचिव, सचिव, मैडम ने बोला रोक लगाओ तत्काल। ये आदेश किसका फॉलो हो रहा है? देखिए तिलक, ये परमिशन देकर और संगठन को बनाने का एक कार्यक्रम होता है और उसके तहत ही काम होना भी थी, लेकिन पीछे जिस प्रकार से चुनाव थे और आवश्यक था तो अध्यक्ष जी ने नियुक्ति करी है, दो तीन नियुक्तियां करी है। और जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी में ऐसी, आशीष जी अगर फोन पास में ले आए तो मैं फोन नजदीक कारण। हेलो जी, बोलिए, आप खुलकर बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रदेश प्रभारी जी जो नियुक्तियां हुई हैं बिल्कुल प्रभारी जी के संज्ञान में लेकर नहीं की गई, चुनाव नजदीक थे और अब जब प्रभारी जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने उन नियुक्तियों को लेकर एक लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, यानी मैडम को पता ही नहीं था कि आप लोगों ने नियुक्ति कर दी? देखिए उस समय मैडम खुद अपने लोकसभा चुनाव में बिजी थी, मैडम लोकसभा चुनाव में बाद में बिजी थी, मैडम तो उत्तराखंड आती नहीं, तो मैडम को पता कैसे होगा कि नियुक्ति हुई? प्रभारी भी है, पूरी टीम बनी हुई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी आप लोगों ने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई और आपने नियुक्तियां कर दी? देखिए हर प्रक्रिया का समय होता है और इस समय प्रक्रिया अपनाने का समय नहीं था, उस समय चुनाव नजदीक थे। मैडम सर, हरिद्वार पचवादून अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यही तो नियुक्तियां की है ना आपने? कोई दिक्कत नहीं, अगर नियुक्तियां तो कह रहा है कि प्रीतम सिंह जी ने रोक लगवा दी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लिखी है, नहीं नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना सर, दिक्कत है। कोई ये कह रहा है, आशीष जी, आशीष, कोई ये कह रहा है कि प्रीतम सिंह जी ने रोक लगवा दी, कोई ये कह रहा है हरीश रावत जी ने रोक लगवा दी, कोई ये कह रहा है यशपाल आर्य जी ने रोक लगवा दी। अब समझ में नहीं आ रहा ये रोक लगवाई किसने, क्या लगता है? बातें और हमारे महेंद्र भट्ट जी कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो जितने मुंह होंगी उतनी बातें भी होंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब कुछ हुआ है तो प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। नहीं नहीं, 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 नहीं। आशीष जी, इतना तो मुझे यकीन है कि उत्तराखंड कांग्रेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस फिर और आप लोगों की सेहत पर तो 20 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ेगा? फर्क तो भाजपा को पड़ रहा है, जिसने अपने सोशल मीडिया पे अध्यक्ष पोस्ट डाल रहा है कांग्रेस की। मतलब अध्यक्ष ये नहीं देख रहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं देख रहा कि और कितनी समस्याएं हैं। भसीन जी, वो हमारे पोस्ट डाल रहे हैं, उनके घर में कब तक मजे लेते रहोगे बताओ? मेरे को तो, मैं तो देख देख के थक गया। बताइए तिवारी जी शासन काल से लेकर अब तक जब जब ऐसे हालात बने और कब नहीं बने ये बताइए, किसके शासन काल में और कौन प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक में नहीं पटी? तो ये तो आप लोग तो रोज मजे लेते हो, ये अच्छी बात नहीं भसीन साहब। लेकिन हमने ध्यान है कि तिवारी जी मुख्यमंत्री होते थे और हरीश रावत जी उनके खिलाफ अपनी सरकार के कार्य धरना प्रदर्शन किया करते थे जी। इसी प्रकार से आगे लगातार प्रक्रिया चलती रही। अब जो वर्तमान में स्थिति है कांग्रेस के अंदर, भसीन जी अगर प्लीज फोन पास ले आए तो जी,
अगर हम इसमें देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपने आप और खराब हो चुकी है, ये बिखराव की ओर है। ऑल इज वेल का तो दूर दूर तक प्रश्न हाई नहीं, मतलब ऑल इज वेरी बैड हो चुका है कांग्रेस के अंदर। हाँ। और कांग्रेस का बिखराव हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हाँ। और कांग्रेस में एक नहीं कई गुट है, और वर्तमान जो इनके अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, मेरे ख्याल से बहुत ही कमजोर किस्म के जो अध्यक्ष सिद्ध हुए हैं, उनकी ना बात केंद्र सुनता है ना उनके प्रदेश के नेता सुनते हैं, और खुद ही शिकायत करते रहते हैं कि लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे थे आदि आदि। कुल हाँ। मिलाकर के कांग्रेस के अंदर के जो हालात हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये नियुक्तियों पर रोक क्यों लगाई? आप लोग तो कह रहे हो जो भी है आ जाओ, जितने भी बच्चे, अब तो सिर्फ हरीश रावत जी एंड पार्टी और प्रीतम सिंह जी बच्चे हैं, और हरक सिंह रावत को आप लोगों नहीं या लोगे अभी भी? नहीं, आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है तो आप तो दाग भी धो दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है ये नियुक्तियों पर रोक लगाई क्यों प्रभारी ने, कौन है इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मसला कांग्रेस के अंदर का, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर का जो टकराव है उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर प्रदेश की प्रभारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों को रद्द कर देती है तो हालात हमारे सामने है किस प्रकार से कांग्रेस के संगठन की स्थिति बनी हुई है। बसीन साहब, आप भी छुपा रहे, बता तो दो आपको क्या लगता है किसने रोक लगवाई है? कांग्रेस के लोग बताएंगे, हमारे आशीष भाई बैठे हैं। नहीं, आशीष जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कह रहे ये तो आदत पड़ गई है। नहीं, आदत तो इनको है ही ना, वो लगातार विधानसभा की हार रहे हैं। क्या कहता है, किसने रोक लगवाई, क्या लगता है आपको, कौन से वाले गुट ने? एक मोटी सी बात है कि यहाँ पर इन समय कई सारे गुट काम कर रहे हैं, और जो केंद्र के नजदीक इस समय होंगे वो हरीश रावत जी होंगे या फिर प्रीतम सिंह जी होंगे, इन दो में से किसी एक का कोई ना कोई काम रहा होगा। और ये कांग्रेस के अंदर जो गुटबंदी है उसका एक बड़ा नया प्रमाण हमारे सामने आया। अच्छा, तो ये हरीश रावत या प्रीतम सिंह, आशीष जी बता दो कौन है, किसने लगवाई रोक? देखिए, रोक इसमें लगवाई, ये एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और माननीय प्रभारी जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिखा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे अध्यक्ष है, उन्हें लिखेंगे, वो तो प्रभारी होते ही इसलिए हैं। तो ये हमारा आपसी मामला है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद रही है? वो उन्हें देखना है तो अपने विधायक को देखे जो 40 कारतूस लेके घूम रहा है, उससे बात करो कि क्या हो रहा है, अपने सोशल मीडिया में उसको जगा दो। कल को देहरादून के अंदर तलवारें खींच दी आप लोगों ने, बाजार बंद हो गए, हिंदू मुस्लिम करवा दिया, उसको देखो इनका काम हुआ। ये थोड़ी आप दूसरी पार्टी में ताक झाक, हमने लेटर पढ़ा नहीं, महेंद्र भट्ट जी ने पहले डाल दिया, हमें नहीं पता लगा लेटर कब आया, महेंद्र भट्ट जी को पहले मिल लेटर मिल गया, इनके सोशल मीडिया तो ये लेटर किसी ने भिजवाया होगा आशीष जी, इनके पास थोड़ी भिजवाया चेक कर लो, लेटर तो पार्टी के अंदर आया, इनका काम ही है दूसरे के घर में ताक झाक, भिजवाया होगा किसी ने पक्का, निश्चित इनका काम है दूसरे के घर में ताक झाक करना, अपने एजेंट दूसरों के घर में बैठा के रखते हैं आपके कि ले भैया तू वहां बैठा रहे और हमारी जासूसी कर पार्टियों की, इनका काम है ये, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, दूसरे के घर की जासूसी आप करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको क्या लेना हमारे जल्दी से साहब, फिर मैं कुलदीप जी के पास जाऊं। देखिए, आशीष जी ने जो बात कही है, और इससे पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि स्लीपिंग सेल बीजेपी के कांग्रेस के अंदर है, तो कांग्रेस की जो कमजोरी है उसका प्रकट कर रहा है। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कोई कांग्रेस का नेता पत्र भेज देता है तो कांग्रेस के अंदर के बिखराव और उसके अंदर जो बड़े बड़े छेद बने हुए हैं ये उसी का प्रमाण है, तो उसको देखना चाहिए आशीष नोटियाल जी को। अगर हम पे कोई पत्र आएगा कांग्रेस का तो निश्चित तौर पर आपको पब्लिक में मिल जाएगा, आपको चिंता ये करनी चाहिए आखिर स्लीपिंग सेल कौन सा है, बड़े बड़े छेद हैं वो कौन से हैं, उसको देखिए आप, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को महत्व नहीं देता, आपके प्रदेश अध्यक्ष को महत्व नहीं देता, उनकी नियुक्ति को रद्द कर देता है, ये चिंता का विषय आपके हैं, हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारा संगठन तो तेजी से काम कर रहा है, वर्तमान में हम सदस्यता अभियान में लगे हैं और हमारे महेंद्र भट्ट जी नेतृत्व कर रहे हैं, इसे चिंता आपको करनी चाहिए कि कहाँ से पत्र लीक होते हैं, कौन रुकती रुकवाता है और कैसे पूरे पब्लिक डोमेन के अंदर ये जानकारियां अपने आप ही तैरने लगती है, तो ये सब बातें कांग्रेस चिंता का विषय। लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि आपको फर्क नहीं पड़ता चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, आप आते रहेंगे, आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, नहीं हमें तो आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत, आशीष जी कह रहे कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं, ये तो चलता है, हरी रंग हरी कथा है, आगे भी जारी रहेगी। कुलदीप जी, कुलदीप जी, वो मैं आशीष जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चलता हुआ आया, ये पहला मामला थोड़ी ना, इससे पहले तो ना जाने क्या क्या हो गया, पार्टी कार्यालय के भीतर ही हुआ, वो आपस में ही निपट लिए, वो कह रहे भाजपाइयों की जरूरत नहीं, हम आपस में निपट लेंगे,
तो ये कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। भसीन साहब कह रहे हैं कि दो मामले हो सकते हैं, एक हरीश रावत और एक प्रीतम सिंह। ये प्रदेश अध्यक्ष को निपटाने की फील्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या वाकई ऐसा है कुलदीप जी, जरा इनसाइड स्टोरी बताइए। देखिए तिलक, मैं पिछले कुछ समय से कांग्रेस को लेकर के उत्साहित था। जिस प्रकार से कांग्रेस ने मंगलौर का चुनाव जीता और बद्रीनाथ सीट का चुनाव जीता, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अब चुनाव सॉरी कांग्रेस पार्टी जो है अपनी गलतियों से सीख लेकर के धीरे धीरे सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक, और जिस प्रकार से करण महाराज चीजों को लेकर के आगे चल रहे थे, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके उनको जिन लोगों को आगे लेकर के चलना था वो करण महाराज से कई ज्यादा अनुभवी लोग थे। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या होती है कि जब आपके साथ ज्यादा समझदार हो तो उनको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। बरगद के पेड़ के नीचे वाला मामला, वाला मामला है बिल्कुल। अब देखिए ये जो घटनाक्रम हुआ ना, देखिए राजनीति में एक रणनीति होती है, एक दूसरे के दल में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, इस पे नजर रखना। ठीक है, दूसरी किसी भी राजनीतिक दल के भीतर अगर कोई घटना घटती है, निसंदेह वो राजनीतिक दल का आंतरिक मामला होता है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, तो ये इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं पार्टी के भीतर, ये समाज में राजनीतिक दल के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, संगठनात्मक क्षमताओं के प्रति एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ठीक, इस आदेश ने जो नैरेटिव तैयार हो रहा था कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सारे लोग कुछ मुद्दों पर इकट्ठे हो रहे हैं, और इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण जो करण महारा ने एक बड़ा प्रयास किया था कांग्रेस में कि हरिद्वार से वो केदारनाथ को लेकर के केदार रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो उन्होंने निकाली थी। ठीक है, इसके कई राजनीतिक निहितार्थ थे बाहर भी और पार्टी के भीतर भी, कि जनता में पार्टी की एकजुटता को दिखाना। ठीक है, लेकिन ये जो निर्णय प्रदेश प्रभारी ने लिया है ये नितांत अपरिपक्व और कांग्रेस की, उत्तराखंड कांग्रेस की जो एकता जो छवि बनी थी, जो नैरेटिव तैयार हो रहा था, ये उसको खंडित करने वाला है। मैं कल तक जिसको लेकर के मुझे एक आशा जग रही थी कि शायद कांग्रेस केदारनाथ में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहीं वो कुछ गलतियां की हैं, बड़ी गलतियां की हैं जिनका जो केदारनाथ में उसके लिए नकारात्मक थी। लेकिन समस्या अब ये हो गई है कि कांग्रेस जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ी थी, जितने कदम वो आगे बढ़ी थी, उससे इस एक निर्णय ने उसको उतने उससे दुगने कदम पीछे धकेल दिया। अब ये मौका मिल गया भसीन साहब को ये कहने का कि भाई देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि आपस में पट्टी नहीं है, कोल्ड वॉर शुरू है, यही ना कुलदीप जी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के भीतर का जो ये प्रभाव है ना, जो उनकी लड़ाई सार्वजनिक हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पार्टी के अनुशासन में पर्दे के पीछे रहनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि एक राजनीति में महत्वपूर्ण सच और झूठ यहाँ कुछ नहीं होता, ये राजनीतिक चालें होती है। बड़े नेताओं ने फील्डिंग लगा दी है अपने प्रदेश में, नेताओं ने जो फील्डिंग करी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दो चुनाव के बाद ये तीसरा चुनाव भी अगर करण महाराज जीत गए तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी जो चुनाव हारते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भसीन साहब कुलदीप जी की बात से ये थोड़ा बहुत हद तक मैं सहमत हूं। जो आपने कहा ना कि करण महाराज कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, करण महाराज कमजोर प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष है। अब आप कहेंगे कैसे, मैं उदाहरण दे देता हूं, कांग्रेस के मजबूत प्रदेश अध्यक्ष, हां कमजोर उत्तराखंड कांग्रेस के मजबूत प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, उसका उदाहरण यह कि हमने हरीश रावत को बतौर प्रदेश अध्यक्ष देखा, तब जब सत्ता भी थी संगठन भी था। हमने यशपाल आर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष देखा, तब संगठन भी था और सत्ता भी थी, बात की दौर की बात कर रहा हूं, संगठन तब भी मजबूत था हमने, क्योंकि उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हरक सिंह रावत थे, और दूसरी तरफ हमने किशोर उपाध्याय को भी प्रदेश अध्यक्ष देखा। सत्ता के तराजू पे बात कर रहा हूं, तब सत्ता भी थी और संगठन भी था। हमने गणेश गोदियाल को भी प्रदेश अध्यक्ष देखा,
लेकिन पहली बार करण महाराज ऐसा प्रदेश अध्यक्ष देखा जो करने की हिम्मत दिखा रहा है। यह जानते हुए कि बड़े नेता नाराज होंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, इसलिए मजबूत प्रदेश अध्यक्ष, और चुनाव जितवाया और केदारनाथ तक अकेले बोले आ जाओ, जिसमें आना है लगाओ दौड़। ये प्रदेश अध्यक्ष की पहचान थी, ये करा अकेले दम पे किया करण महाराज ने, नहीं बसीन साहब। अब बड़े नेता फील्डिंग लगा रहे हैं तो इसमें आशीष जी कह रहे हैं तो हमारे यहां तो चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं। और आप कह रहे हो कि वेलकम, जिसको आना है आ जाओ, आप लोग तो मौके पर चौका मार रहे हो बसीन साहब। मैंने जो करण महाराज जी को कमजोर कहा उसके पीछे अपने तर्क हैं। पहली बात तो अगर मजबूत अध्यक्ष होते तो प्रदेश प्रभारी इस प्रकार से उनकी नियुक्तियों को रद्द ना करती, एक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही इस प्रकार के एक्शन हो सकता है। और उन्हें मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई रिएक्ट तक नहीं करेंगे। एक बात, इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी ने कहा था कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, अगर मजबूत होते तो निर्देश देते, हाईकमान से लेकर क्या थे निर्देश कि आप यहाँ लड़ेंगे आप यहाँ लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। इसी प्रकार से कई घटनाएं हैं, मजबूर मजबूत प्रदेश अध्यक्ष। आशीष जी, बसीन साहब तो घटनाएं घटा रहे हैं एक के बाद एक, कह रहे हैं अगर मजबूत ना होते तो फिर ये सब क्यों होता। तिलक भाई देखें, माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा है और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे ना उनको, और नहीं बिल्कुल हो सकता है नहीं करने दे रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, आप बताइए करने दे रहे होते तो बसीन साहब ये बात थोड़ी ना बोलते जो कह रहे हैं। जब कोई सीनियर होते हैं वो कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक युवा कैसे बन गया, ये कैसे चला पा रहा है, ये कैसे कर पा रहा है, इतना दौड़ने की हिम्मत अगर किसी पर है तो माने, मतलब मानते हो ना, जो अपना ब्लॉक नहीं बचा पाए वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मतलब मान रहे हो ना। बिल्कुल, आप इशारा मेरा कहां है, कौन नहीं बचा पाया अपना ब्लॉक। आप अपना जो बिल्कुल सही इशारा कर रहे होंगे, आप कर सकते हैं, आप नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बताइए ना, आपके कई बड़े नेता अपना ब्लॉक नहीं बचा पाए, आप कई चीजों, और उनको चाहिए संगठन में अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व, क्योंकि दिल्ली दरबार में करना है यस सर मेरा संगठन, अपना ब्लॉक नहीं बचा पाए आपके नेता, बड़े बड़े तथाकथित नेता। निश्चित आपके सारे को जिन्होंने समझना चाहिए वो समझेंगे। बस साहब आपको समझ में आया जो इशारा मैंने किया, आशीष जी समझ गए, लेकिन नाम नहीं दे, कह रहे कल को ऐसा ना हो कि मैं प्रवक्ता की जगह आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार है। आशीष जी आपके 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 ऑफिस में अभी कितने कंप्यूटर लगे ना वॉर रूम में, ये भी पता है मुझे। हाँ छोड़ दो इस बात को, बसीन साहब हमारे तो दिमागी कंप्यूटर है। बसीन साहब वो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आशीष जी भी मान रहे, कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, ज्यादा मत बुलाओ, कहीं अभी प्रवक्ता लिखा कहीं पूर्व प्रवक्ता ना हो जाए। लेकिन एक बात ईमानदारी की है, आशीष जी ने मान लिया कि पार्टी के अंदर ये जो स्थितियां हैं आपसी टकराव की हैं, और एक वर्ग पार्टी में ऐसा है जो महाराज जी को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और जो कुल मिला के मैं कह रहा था कि कांग्रेस में बिखराव है तो उनकी बात पर भी अपने आप में सही है, और जो मैंने कहा वो बात भी सही है कि कांग्रेस बिखराव है और जरूर बिखराव है, और केंद्र भी जो है इसमें केवल एक बिखराव बढ़ाने का भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वहां पर भी कोई गंभीरता के नेता नहीं है। नहीं वहां दिक्कत यह है कि जूम पे जुड़ती है मैडम, बूम कर जाता कोई बूम कर जाता, जूम से बूम हो गया। जूम से बूम हो गया। आशीष जी जल्दी से फिर कुलदीप जी के पास जा रहा हूं, जो बात देखिए बसीन साहब आज सबसे रिलैक्स होकर डिबेट करे, कह रहे देखा ये आनंद कुछ और, इन्हें मजा आ गया, मजा तभी आया ना जब आप, इनको मजा आ रहा है, इनको इस बात में मजा आ रहा है कि आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उस पर इनको दिक्कत नहीं होती। वो आपके घर के माहौल की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, हमारा घर है, देश में हमारा घर है, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के आप बोल रहे भाई, जयचंद्र वीर जाफर के भाई बनते हो, अरे काम मत करिए, देश की बात देश में रहने दीजिए, अपनी रुकी रहेगी की मोदी जाकर भारत में पैदा करते हैं, आप हमसे क्या काम करिए, बातें करते हैं विदेशों में जाकर और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर जो है ये घर का आपसी मामला है, और प्रभारी और अध्यक्ष के बीच में कई बातें होती हैं, उन बातों को आप भाजपा वाले उन बातों पे नजर रख के बैठे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कुलदीप जी आप लोग देश के लिए राज्य के लिए सोचे तो ज्यादा अच्छा। नहीं ठीक है ठीक है, अभी फिलहाल एक बात कुलदीप जी, जो पहले वाले प्रभारी थे, मैं थोड़ा सा पर्दा उठाने की कोशिश करता हूं, जो पहले वाले प्रभारी थे उनकी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी,
ठीक कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो पहले वाले प्रभारी के एक बड़े नेता के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, मतलब बिल्कुल 36 और 72 वाला हिसाब था। अब ये दूसरे प्रभारी जब से बने तो उनका कॉलर थोड़ा सा ऊपर हुआ, बोले कोई बात नहीं, मैं अपना ब्लॉक नहीं बचा पाया तो क्या हुआ, प्रभारी तो अपने हैं, रुकवा दो। एक जो कप्तान अपनी टीम को नियुक्त नहीं कर पाए और प्रभारी किसी बड़े नेता के कहने पर ब्रेक लगा दे, अब भविष्य क्या देख रहे हैं उसका? देखिए उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर के ये चीजें निकल करके आ रही हैं, और एक बात ये समझने की होती है कि जब विपक्षी दल मजबूत होता है ना तो जनता की आवाज मजबूत होती है। आज कांग्रेस ने जो किया एक जनता के बीच में एक आशा जगा रही थी और एक निर्णय ने उस आशा को तोड़ने का काम किया। ठीक है, देखिए कि अभी जो बात आप कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा देश और राज्य को देखे, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ते हैं और इस समय दोनों दलों के लिए एक ही महत्वपूर्ण एजेंडा था केदारनाथ का उपचुनाव, क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव मात्र उत्तराखंड के लिए या उत्तराखंड की कांग्रेस के लिए या उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश सरकार के नेतृत्व के लिए मात्र इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केदारनाथ का उपचुनाव राष्ट्रीय भाजपा, नेशनल भाजपा और नेशनल कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसका एक बड़ा कारण यह है तिलक कि आप फैजाबाद में अयोध्या की अयोध्या हारे जी, फैजाबाद सीट हारे आप, ठीक है, अयोध्या को लेकर के कांग्रेस ने उसको प्रचारित किया कि भाई अयोध्या सीट हार गए, बद्रीनाथ हारे, उसके बाद बद्रीनाथ सीट हारे, बद्रीनाथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध धाम है, हिंदू धर्म का प्रमुख धाम है, उसके बाद अब है केदारनाथ। ठीक, और अगर केदारनाथ में कुछ ऊंच नीच होती है तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो भाजपा के नैरेटिव को होगा। तो ये सिर्फ प्रदेश भाजपा के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय भाजपा के लिए भी केदारनाथ सीट बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी केदारनाथ सीट महत्वपूर्ण है। आशीष जी, क्या बात है, फर्क नहीं पड़ता, इतना अच्छा माहौल आप लोगों ने बना लिया, चुनाव तो नैरेटिव पे लड़ा जाता है, जो बात कुलदीप जी समझा रहे हैं पूरा रायता फैल गया। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं वो, कुलदीप जी अच्छी बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस एक्टिविटी से जनता को कोई नुकसान नहीं होता है। नहीं, और नैरेटिव होता है साहब, नैरेटिव ना 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 नहीं, तो या तो आपकी पिक्चर ही ऐसी बन गई कि आपस में एक दूसरे का सर फाड़ेंगे भाई। चलो हमारे इससे तो बहुत जनता को नुकसान हो गया, क्या इनका जो विधायक 40 कारतूस लेके पकड़ा जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती? क्या इनका जो संगठन का आदमी महिलाओं के साथ बलात्कार करके पकड़ा है तो उससे कोई दिक्कत? आशीष जी, आशीष जी, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर यही विपक्ष में भसीन जी की पार्टी होती ना, गणेश जोशी को इस्तीफा देना पड़ता, आप लोग यहां इतने कमजोर हो, समझे? आपके बड़े नेता सामने आकर बोलने तक को तैयार नहीं, इंक्लूडिंग हरीश रावत इशारों इशारों में बात कर रहे हैं। यह होता है संगठन की ताकत, विपक्ष की ताकत। आपके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हो जाएं और यह बोले कि गणेश जोशी इस्तीफा दो, समझे आशीष जी? निश्चित आज हम गए हैं, इसको लेके पूरा संगठन गया है, नहीं, आप बता रहे हो ना, विपक्ष की ताकत बता रहा हूं। अगर यही बसपा की पार्टी होती तो गणेश जोशी को इस्तीफा देना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद ही गलत करेंगे। ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपके नेता प्रतिपक्ष की कमजोरी है, जो सदन में आपके विधायक कहते हैं कि ये मित्र विपक्ष हैं, समझे आप? तो ये आपकी कमजोरी है साहब, ये मत बोलिए कि ये बीजेपी आपके घर में, ये आपकी कमजोरी है जो जग जाहिर हो रही है। यही नैरेटिव होता है जिससे चुनाव लड़ा जाता है और जो दिखाई दे रहा है कि प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों पर रोक लगा रही है, कह रही कि रद्द करो तुरंत, यही जाता है सब कुछ मैसेज चुनाव के बीच में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बसीन साहब और कुलदीप जी, आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।